ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ना बैंक सिर्फ प्रॉफिट बनाता है बट आल्सो हमें बता देखिए किस तरह हमने मनी को क्रिएट करना है, किस तरह हमने इकोनॉमी में मनी को क्रिएट करना, ये प्रोसेस था जो हमने ऊपर पढ़ा। तो इस प्रोसेस को जिसमें ना बैंक सिर्फ प्रॉफिट बनाता है, ठीक है ना, और बैंक किस तरह प्रॉफिट बनाता है वो मैंने आपसे कहा कि वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू, कि लेंडर से कम रेट पे ले और बारो को हाई रेट पे दे तो वो उसका प्रॉफिट हो जाते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन इज ए प्रोसेस इन विच इट शोज हाउ द बैंक्स क्रिएट मनी या मेक्स प्रॉफिट बट आल्सो हाउ दे क्रिएट मनी इन द वाइडर इकोनॉमी, ठीक है ना। ए की डिटरमिनेंट इज मच क्रिएटेड इन द रिजर्व रेशियो इच ईच बैंक हैड इट होल्ड, ठीक है ना। तो ये इसकी क्रेडिट क्रिएशन की डिफिनेशन है कि क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें बैंक ना सिर्फ प्रॉफिट बनाता है बल्कि आगे किस तरह हमने इकोनॉमी के अंदर मनी को क्रिएट करना है, तो इस किस्म के प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। यहां तक कोई सवाल, क्रेडिट क्रिएशन की डिफिनेशन में कोई शक? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो, इज ए प्रोसेस इन विच द बैंक नॉट ओनली मेक अ प्रॉफिट बट आल्सो हाउ दे क्रिएट मनी इन द वाइडर इकोनॉमी इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अब रिजर्व रेशियो, यार हम पढ़ पढ़ के आए कि रिजर्व रेशियो इज द पोर्शन ऑफ डिपॉजिटर फंड दैट द बैंक मस्ट कीप फॉर द इमीडिएट डिलीवरी टू इट्स ओनर। फंड का वो हिस्सा, रिजर्वेशन क्या होता है कि फंड का वो हिस्सा जो बैंक ने अपने पास कम से कम रखना है कि अगर कोई बंदा या इसका आनर आए कि मुझे पैसे दे दे तो वो उसको दे सके, जिस तरह हमने ऊपर 10% रकम सुंदस, ठीक है। तो आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि अगर ऑन द डिमांड उसका ऑनर आए या कोई और बंदा आए तो आप उसको वो पैसा वापस कर सको, ठीक है ना। तो रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। रिजर्व रेशियो आपके फंड का वो हिस्सा होता है, जिस तरह ये फंड था आपके पास, फॉर एग्जांपल शुरू में जब हम ये आपके पास फंड था, ठीक है ना, तो आपने कम से कम इसका इतना हिस्सा एज रिजर्व रखना है कि अगर कोई ऑन द डिमांड या इसका ऑनर आए कि यार मुझे अपने पैसे चाहिए या कोई और बंदे की डिमांड करके मुझे पैसे दे दें तो आपके पास वो पैसे इमीडिएट डिलीवरी के लिए वो अवेलेबल हो, तो उसको कहते हैं रिजर्व रेशियो। तो इन दो डिफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? रिजर्व रेशियो में कोई कंफ्यूजन और क्रेडिट क्रिएशन की डिफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अब मनी मल्टीप्लायर, मनी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जी, वन डिवाइडेड बाय आर आर मींस रिजर्व रेशियो। तो जितना आपका रिजर्व रेशियो कम होगा उतना आप आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करते जाओगे, ठीक है ना, सॉरी कम ट्रांसफर करते जाओगे, और जितना रिजर्व रेशियो हाई होगा, ठीक है ना, तो उस उतनी मनी मल्टीप्लायर कम होगी और आप आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करते जाओगे। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, इन आवर एग्जाम्पल द मल्टीप्लायर इज 0.1% इन 10%, ठीक है जी। तो मनी मल्टीप्लायर मेरे पास क्या होगा, 10%, एक को आप 10% पे डिवाइड करोगे तो 10% आएगा, ठीक है ना। मीनिंग फॉर एवरी 100 दैट इज डिपॉजिटेड द बैंक द आउटकम ऑफ द इकोनॉमी इज द 100। तो अगर 10% है, क्लियर जी, तो आप फिर क्या करोगे, इधर आप देख लो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1,00,000 पड़े थे, तो इसका अगर मैं 10% लू तो कितना बनता है यार, 10,000 बनते हैं, क्लियर। तो अगर 10% था, ठीक है, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा था 10%, तो मैं आगे जाके 90,000 ट्रांसफर कर लूंगा और 10,000 अपने पास रख लूंगा। लेकिन अगर मेरा रिजर्व रेशियो 20% हो जाए तो फिर क्या होगा, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर फिर क्या होगा, इस मेरा मनी मल्टीप्लायर अगर 20% हो जाए तो फिर ये मेरे ख्याल से 5% आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अगर इसका 5% लू तो फिर मैं आगे जाके 95,000 ट्रांसफर कर लूंगा और 5% में कम कर लूंगा।
है, 5,000 में ये कर दूंगा। तो देखें जितना मेरा रिजर्व रेशो देखो मेरा ज्यादा हुआ ना, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर मेरा कम आएगा। तो मनी मल्टीप्लायर जब मेरा कम होगा तो मैं आगे ज्यादा ट्रांसफर करूंगा और कम अपने पास कम रखूंगा, ठीक है। तो रिजर्व रेशियो का और इसका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लियर जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आगे जाके रिजर्व रेशियो 40% रखता हूँ तो फिर मजीद कम हो जाएगा और मैं आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करूंगा। तो जितना आपका मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है, देखो इधर मनी मल्टीप्लायर कम है ना, 10 से 5% पे आया तो हमने ज्यादा ट्रांसफर किया। यार मनी मल्टीप्लायर वाला वही कंसेप्ट जो हमने मल्टीप्लायर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो हम कम अपने पास रखेंगे और ज्यादा ट्रांसफर करते जाएंगे, क्लियर। तो इस फॉर्मूले को काइंडली आप लोगों ने समझना है और इस एग्जांपल को भी आप लोगों ने थोड़ा समझना है जी। इस मनी मल्टीप्लायर में कोई कंफ्यूजन, इस एग्जांपल को भी जरा आप काइंडली पढ़ लें, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फिर। तो मनी मल्टीप्लायर आपका कम होगा तो आप अपने पास कम रिजर्व रखोगे और आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करते जाओगे। लेकिन अगर मनी मल्टीप्लायर आपका हाई है, जिस तरह इधर था 10% था, तो फिर आप ज्यादा पैसे अपने पास रखोगे और कम ट्रांसफर कर दोगे। मनी मल्टीप्लायर कंसिडरेशन, जब आपने मनी मल्टीप्लायर करोगे ना, आप जो मनी मल्टीप्लायर ये फॉर्मूला है कि 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो, तो दो बातें होंगी, ये दो बातें ध्यान में रखनी है आपने, एक कैश लीकेज का और एक एक्सेसिव रिजर्व का। सब्र करो एक मिनट, अगर हमारे पास एक मिनट से बोल करूं अजर सुन देख, एक मिनट से बोल मल्टीप्लाई एक मिनट समझ कर। अच्छा सबर कर, इसको मैं समझा लेता हूँ आपको। अच्छा मनी मल्टीप्लायर, अच्छा चलो मैं इस एग्जांपल को समझा लेता हूँ आपको कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करवाई, ठीक है जी, अब मैं सिंपल तरीके समझा लेता हूँ, शायद मैं वो माई मिस्टेक, ठीक है जी। अगर आपने इकोनॉमी के अंदर 100 की इन्वेस्टमेंट करवाई, वही मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट है, और आपके पास मनी मल्टीप्लायर 10 हो तो वो बनेगी जाके 1,000, क्लियर जी। लेकिन अगर आपके पास मनी रिजर्व, आपकी बात सही, माई मिस्टेक जी, अगर आपके पास मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये कि ये 100 रुपीज 100 टाइम्स बढ़ेगी, 10 टाइम्स बढ़ेगी, क्लियर जी, सुन दस अजर। लेकिन अगर आपके पास रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आपकी ज्यादा हो, ठीक है ना, तो फिर आपका मनी मल्टीप्लायर कम आएगा। फिर अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे ना, क्योंकि आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई और अभी आपका मनी मल्टीप्लायर कम आएगा ना, तो जब रिजर्व ज्यादा हुई तो फिर आपकी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। आपकी बात सही है, क्योंकि इधर रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कम हुई, आपने कम इन्वेस्टमेंट की, आप फॉर एग्जाम्पल कम लोगों को ट्रांसफर हुआ। लेकिन इधर चूंकि मनी मल्टीप्लायर ज्यादा है, रिजर्व रेशियो कम है इसके मुकाबले में, तो इधर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी, क्लियर जी। वो पहला वाला माई मिस्टेक, क्लियर, वो मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर पाए।
तो अगर आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कम है, जिस तरह इधर है 10%, ठीक है, और आप 100 की इन्वेस्टमेंट कराते हो, आप 100 की इन्वेस्टमेंट कराते हो, तो वो आगे जाके इकोनॉमी के अंदर 1000 बनेंगे। लेकिन अगर आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% है, रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट, अब आपकी स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना, तो आप अगर वही 100 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कराते हो इकोनॉमी के अंदर, तो आगे जाके सिर्फ 500 बनेगा। अब क्लियर हुआ? यह कंसेप्ट इस तरह है जी कि अगर आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कम और आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कराते हो, तो वो आगे जाके इकोनॉमी के अंदर बनेंगे 1000। लेकिन अगर आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% पे चली गई, तो अब अगर वही 100 आप इन्वेस्टमेंट कराते हो, तो अब आगे जाके इकोनॉमी के अंदर 500 बनेगा। मैं आपको ऊपर वाले बैंक से समझा लेता हूँ। शुरू में हमने क्या कराया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कराई एक बैंक में, तो अगर स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स हो 10%, फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वायरमेंट 10% हो, ठीक है ना, तो ये मेरे पास 10 बनेगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 10%, तो ये मेरे पास 10 ही बनेगा, जिस तरह ऊपर कैलकुलेट किया हमने, ये 10% बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 1 मिलियन। तो वो आगे जाके इकोनॉमी के अंदर वो आगे जाके बनेगा 1 मिलियन। 1 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट करा के अगर मेरी रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% हो, तो वो 1 मिलियन बनेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर 5% हो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आपकी, 20% हो, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर क्या बनेगा, 5%। तो 5% को अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अभी मनी मल्टीप्लायर 5 बनेगा, तो आगे जाके 5 लाख बनेंगे इकोनॉमी के अंदर। तो जितना आपका रिजर्व रेशियो कम होगा, उतना आपकी मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, उतनी आपकी मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगी, और उतनी जाके आगे ट्रांसफर ज्यादा होती जाएगी और क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर आपका रिजर्व रेशियो ज्यादा, तो मनी मल्टीप्लायर कम और आगे जाके आपकी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। तो ये इस तरह था, तो शुरू हो रहा, माई मिस्टेक थोड़ा सा जी। अजर अब जी, अजर अमरीन, अब क्लियर हुआ ना, थोड़ा मैं उसको गलत इंटरप्रेट कर पाया, सॉरी फॉर देट, इसलिए कि आप लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है जी। तो जितना आपका रिजर्व रेशियो कम, उतना आपका मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, और आप फॉर एग्जांपल 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो वो आगे जाके इकोनॉमी के अंदर 1000 रुपये बनेंगे। लेकिन अगर आप वही 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो और बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स 20% हो, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर 5 बनेगा और वो आगे जाके 500 बनेंगे। तो ये अब आप देख लिया खुद, तो यहाँ से वो न्यूमेरिकल जी वो पूछ सकते हैं आपसे, यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 इन्वेस्टमेंट करा लेता हूँ और आपकी रिजर्व स्टेट बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ये हो, ठीक है ना, तो भाई क्या कितना वो होगा इकोनॉमी के अंदर, कितनी क्रिएट क्रिएशन होगी। तो जी सुन दस, अजर सलमान अभी आप पूछे यार, एक मिनट आप ले ले शाबाश। जी सुन दस, आपको भी क्लियर हुआ? तो ये इस तरह था जी, ठीक है, तो आपका रिजर्व इधर कम है ना, तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी, क्योंकि आपका मनी मल्टीप्लायर ज्यादा आएगा। इधर आपकी रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मनी मल्टीप्लायर कम आएगा। तो अगर आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर लो 20% पे, तो वो क्रेडिट क्रिएशन 500 होगी। क्लियर ना अभी? अच्छा, कैश लीकेज, कैश लीकेज का मतलब ये कि अगर आपने मनी मल्टीप्लायर इस चीज को कंसिडर करना है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल ये चीज अगर आपने इसके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन को ऑब्जर्व करना है, तो फिर आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना होगा। एक तो आपने कैश लीकेज का ख्याल रखना होगा, और एक आपने एक्सेसिव रिजर्व का ख्याल रखना होगा। ये दो कंसिडरेशन, अगर ये सवाल आए तो ये जरूर आएंगे इसके साथ। इसका मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास 75,000 रुपये हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपने उस 75 का 75 बैंक में नहीं रखवाता, ठीक है ना, वो 75 का 75 वो सेविंग नहीं करवाता, बल्कि वो अपने लिए कुछ 15,000 रुपये एज ए कैश फॉर एग्जाम्पल प्रिकॉशनरी मोटिव या स्पेकुलेटिव मोटिव या किसी पर्पज के लिए घर में रख लेता है। तो अब तो उसने ना 60,000 इंट्रोड्यूस करवाया ना बैंक के अंदर, तो बैंक भी आगे जाके 60,000 इंट्रोड्यूस करवाएगा,
इसी वजह से आपका प्रोसेस जो मल्टीप्लायर होगा ये रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो सारे के सारे बैंक में नहीं रखते, बल्कि कुछ ना कुछ पैसे अपने पास घर में भी रख लेते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। तो इस जब वो सारा का सारा बैंक में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो बैंक भी आगे जाके कम ही ट्रांसफर करेगा ना, ठीक है। अगर वो 75% बैंक में रखता तो बैंक आगे जाके 75% ही ट्रांसफर करता, लेकिन अब चूंकि 60% रख दिए तो बैंक ने भी आगे जाके 60,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करना है ना, आगे जाके ट्रांसफर करना है। तो अगर लोग अपने पास कैश की शक्ल में पैसा रखना चाहते हैं घर में, तो इस चीज से आपका जो मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है ना वो इफेक्ट हो जाते हैं। एक्सेसिव रिजर्व से भी आपका प्रोसेस वो हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। जिस तरह हमने ऊपर रखा कि अगर स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स 10% है, उसने कम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रखी है कमर्शियल बैंक पे, तो कमर्शियल बैंक आगे जाके ज्यादा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कहता है कि नहीं आप ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट रखो, तो फिर कमर्शियल बैंक आगे जाके कम ट्रांसफर करेंगे। तो अगर रिजर्व आपके एक्सेसिव हो और सेंट्रल बैंक कहते हैं कि यार ज्यादा रिजर्व रखो, तो कमर्शियल बैंक आगे जाके कम पैसे ट्रांसफर करेंगे और प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, क्लियर। और अगर वो कहते हैं कि नहीं यार कम रिजर्व रखो, तो कमर्शियल बैंक आगे ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर करेंगे और प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो ये कंसिडरेशन है, ये दो भी जरा काइंडली आप पढ़ लें, अगर क्लियर है तो मैं आगे चला जाता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़े शाबाश। क्लियर। अब लिमिटेशन, ग्रेड क्रिएशन क्या होता है कि वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बैंक्स प्रॉफिट कमाता है और इकोनॉमी के अंदर उसने मनी को किस तरह सप्लाई करना है और किस तरह उसको क्रेडिट के थ्रू देना है लोगों को। फिर हमने उसके बाद उसकी कंसिडरेशन पढ़ी कि कैश लीकेज का मतलब ये है कि लोग अपने पास जब पैसे रखना पसंद करेंगे कैश की शक्ल में, तो वो आगे जाके बैंक में कम पैसे रखेंगे और बैंक भी आगे जाके कम ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। एक्सेसिव रिजर्व में हमने ये पढ़ा, फिर कंसिडरेशन दूसरे नंबर पे कि एक्सेसिव कंसर्न